काफी अच्छी थी, रोमांटिक कॉमेडी काफी इंटरेस्टिंग थी। बैड न्यूज लाइक ओके ओके फिल्म है, मतलब ना इतना वाव है ना इतना बेकार है। और जो करण जौहर है ना, उसके दिमाग में यही भरा है, सेक्स, एक माँ के दो बाप, कौन किसी कैसी बजाएगा, मतलब उसके जो उसका शैतानी खुराफाती दिमाग है ना, तो यही सब लाता है। ट्रेलर देखा तो मुझे बहुत ही फनी और कॉमेडी लगा था ट्रेलर, और गुड न्यूज मुझे बहुत पसंद आई थी जिसमें अक्षय कुमार थे, दिलजीत दोसांझ थे और उसमें कायरा आडवाणी थी। ये मूवी में विक्की कौशल है, तृप्ति ढीमरी हैं और बहुत सारे एक्टर्स हैं, एमी विर्क। बहुत अच्छा, मुझे एंटरटेनिंग लगी मूवी। मूवी मतलब मज़ेदार थी, एंटरटेनिंग थी, कुछ नया देखने मिला, इसलिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो आके देखना वर्थ था। मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी और कॉमेडी है, नया मैसेज है और नया कॉन्सेप्ट है, तो अभी इस तरह की फिल्में अभी आ रही हैं तो और देखने में मजा आएगा। बहुत अच्छी मूवी, अमेजिंग, मतलब इतना एंटरटेनमेंट था कि हम बता नहीं सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी थी। अच्छी मूवी है सर, काफ़ी मज़ा आया देखने में, कॉमिक टाइमिंग भी अच्छी थी, विकी कौशल की एक्टिंग हमेशा अच्छी रहती है, उसकी मूवी मैं देखता हूँ। फिल्म को कितने स्टार दोगे आउट ऑफ 5? 4.5। मैं 4.5 सर। आई विल गो विद 3.5 स्टार्स। तो बैड न्यूज़ रिलीज हो चुकी है थिएटर में और मैं आ चुका हूँ लोगों से पूछने के लिए कि उनको बैड न्यूज़ कैसी लग रही है, तो चलिए बात करते हैं। तो सर, यू सॉ बैड न्यूज़, कैसी लगी आप? मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे बहुत ही फनी और कॉमेडी लगा था ट्रेलर, और गुड न्यूज़ मुझे बहुत पसंद आई थी जिसमें अक्षय कुमार थे, दिलजीत दोसांझ थे और उसमें कायरा आडवाणी थी। ये मूवी में विक्की कौशल है, तृप्ति ढीमरी हैं और बहुत सारे एक्टर्स हैं, एमी विर्क। बहुत अच्छा, मुझे एंटरटेनिंग लगी मूवी। फर्स्ट हाफ हो या सेकेंड हाफ हो, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, डायरेक्शन बहुत अच्छा आनंद तिवारी का, एडिटिंग शार्प है बिल्कुल शान मोहम्मद की, सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी है जो इसकी सिनेमेटोग्राफी देवोजीत रे। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच। मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी और कॉमेडी है, नया मैसेज है और नया कॉन्सेप्ट है, तो अभी इस तरह की फिल्में अभी आ रही हैं तो और देखने में मजा आएगा। बहुत अच्छी मूवी, अमेजिंग, मतलब इतना एंटरटेनमेंट था कि हम बता नहीं सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी थी। एक ओके ओके फिल्म है, मतलब ना इतना वाव है ना इतना बेकार है, सही है मूवी, मतलब मज़ेदार थी, एंटरटेनिंग थी, कुछ नया देखने मिला, इसलिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो आके देखना वर्थ था। मतलब उसको नए कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रेजेंट किया गया है एंटरटेनिंग वे में। सर, तीनों एक्टर्स की केमिस्ट्री कैसी लग रही थी ऑन स्क्रीन? ऑन स्क्रीन तीनों की केमिस्ट्री अच्छी लग रही थी, बाकी एमी वीर की मतलब कॉमेडी ज़्यादा अच्छी थी, थोड़ा लैग कर रही थी, मतलब ऐसा एक्टिंग थोड़ा उनकी डाउन लग रही थी, बाकी एज अ फुल फ्लेज रोल उसने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है, बाकी विक्की कौशल नेल्ड इट। एक्टर की बात तो मैं बाद में करूंगा, जो मूवी की स्टोरी है ना वो कहीं ना कहीं ना बिल्ड किया गया है, जैसा 97 में ना एक मूवी आई थी दीवाना मस्ताना, गोविंदा, अनिल कपूर एंड जूही चावला, जो दोनों उसके पीछे पड़े रहते ना, तो सेम वो लग रहा था। उसके बाद करण जौहर ने खुद अपनी मूवी से गाना लिफ्ट किया है, मेरे महबूब मेरे सनम। और बाकी अगर मैं स्टोरी की बात करूँ तो कहीं ना ऑडियंस डाइजेस्ट कर लेगी, या जो आजकल के बच्चे हैं ना उनको ये कंटेंट पसंद आता है कि एक माँ के दो बाप, और जो करण जौहर है ना उसके दिमाग में यही भरा है, सेक्स, एक माँ के दो बाप, कौन किसी कैसी बजाएगा, मतलब उसके जो उसका शैतानी खुराफाती दिमाग है ना, तो यही सब लाता है। तो कंटेंट मुझे वही लगा मूवी का, भी अच्छी थी, बॉन्डिंग अच्छी थी उन लोगों की, और विक्की कौशल तो अमेजिंग, मतलब कि काफ़ी अच्छा उसने इम्प्रूवमेंट दिखाया अपने पुरानी मूवी की अपेक्षा, काफ़ी अच्छा उसने काम किया। तो और तृप्ति की बात की जाए तो तृप्ति कैसी थी? सीधी सी बात है, वो हॉट है और अच्छी लग रही थी, तो उसमें कुछ कह नहीं सकते, अच्छा किया उसने भी काम, अच्छा किया जो उसको एक्ट मिला था, उसने अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया। तृप्ति ढीमरी बहुत हॉट गॉर्जियस लगी, बहुत ही गॉर्जियस लगी, बहुत अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस है उनकी। एमी विर्क बहुत ही फनी लगे, विक्की कौशल भी बहुत ही उम्दा एक्टर, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी तृप्ति के साथ, और ओवरऑल लोग बहुत इंजॉय करेंगे, मतलब फर्स्ट हाफ हो या सेकेंड हाफ हो, एक ट्विस्ट भी है तो बहुत मजा आएगा लोगों को। बात की जाए गुड न्यूज की, तो गुड न्यूज के कंपैरिजन में बैड न्यूज कैसी थी? गुड न्यूज तो एक अलग ही लीग थी, उसमें बड़े बड़े स्टार थे, पर इसमें भी विक्की कौशल हैं, तृप्ति ढीमरी एनिमल मूवी के बाद स्टार बन गए हैं, तो मूवी एंजॉयबल है, नो डाउट, वेरी एंटरटेनिंग, और कहीं भी आप बोर नहीं होंगे। म्यूजिक बहुत अच्छा है, रोचक कोहली, विशाल मिश्रा, करण, बहुत सारे कंपोजर, अभिजीत, बहुत सारे कंपोजर्स है। तौबा तौबा गाना लास्ट वाला बहुत अच्छे से शूट किया गया है, तो कहीं भी कुछ ऐसा मुझे लगा, सिनेमेटोग्राफी अच्छी, एडिटिंग अच्छी है, डायरेक्शन अच्छा है, परफॉर्मेंसेज बहुत, कैरेक्टर एक्टर्स लाइक नेहा धूपिया एंड शीबा चड्ढा, फिर लास्ट में नेहा शर्मा और इसका भी कैमियो है,
अनन्या पांडे का, तो अच्छा लगा, मजा आया। फिल्म की जो कहानी है कि एक बच्चे के दो बाप होते हैं, तो आपको लगता है कि ये सच में हो सकता है कि सिर्फ एक फिल्म बनाने के लिए बना दिया है? अभी इतने बड़े प्रोडक्शन से फिल्म आई है तो ऑब्वियसली रिसर्च करके बनी होगी। अब क्या इसमें बायोलॉजिकल कंडीशन है वो डॉक्टर समझ पाएंगे सही तरीके से, या फिर जो उस तरह का नॉलेज रखते हैं वो समझ पाएंगे, पर सिचुएशन के हिसाब से पिक्चर अच्छी बनाई गई है। मतलब लगता है कि यहाँ लॉजिक है, लॉजिकल है। नहीं, ये कहानी है, कहानी में कुछ बोला नहीं जा सकता है, तो कहानी कहानी की तरह ही चलती है अपनी, क्योंकि इसके एक इमोशंस होते हैं, डिप्थ होती है, तो वो पकड़ के चला जाता है कि देन एक्टर देखता है उससे कितना कनेक्ट कर पाती है ऑडियंस एक्टर से, तो वो बात होती है। कहानी बनाने के लिए बना दिया है, मतलब ऐसा सच में नहीं हो सकता, सच में बहुत रेयर मतलब बोल सकते हैं, बट यहाँ इंडिया में तो मैंने कभी सुना नहीं। कहानी बनाई है, जस्टिफाई तो नहीं, मतलब मजा आएगा आपको देख के। इट्स नॉट कि कोई सोशल मैसेज देना है, इट्स मतलब लाइटली लीजिए उसको, इतना कुछ ये नहीं है, एक लाइटली लिया है टॉपिक को और प्रेजेंट किया है लोगों को हंसाने के लिए, और 80% ऑक्यूपेंसी थी, विच वाज द हाईलाइट। जैसे कि आपने देखा कि लोगों को बैड न्यूज पसंद आ रही है, बट आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी। सो लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।